नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में आज हम बात गुड़गांव के एक सरकारी अस्पताल में फैली अंधेर गर्दी की करेंगे। तस्वीर जिसकी झलक अभी आपने देखी है, गुड़गांव के सेक्टर 10 का एक सरकारी अस्पताल है। अंधेर गर्दी इसलिए क्योंकि बिजली से लेकर पानी तक की पूरी व्यवस्था यहां पर चरमराई हुई है। कहने को एक सरकारी अस्पताल, गरीबों के मुफ्त इलाज की बात करने वाला अस्पताल, लेकिन यहां पर मरीज हलकान है। प्रशासन पूरी तरह से बेरुख है। इस पूरे मामले को लेकर आपको दिखाएंगे विशेष में कि आखिर इस अस्पताल का सूरत हाल है क्या। दरअसल 14 घंटे यहां बिजली नहीं आई, 14 घंटे बिजली नहीं आई। इसके अलावा पानी की भी खराब व्यवस्था, छत पर टंकियों की भरमार है। तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा की टंकियां छत पर लगी हुई है पानी की, लेकिन ज्यादातर टंकियों में पानी नहीं है। इसके अलावा अगर हम जनरेटर की बात करें, जब बिजली नहीं होती है, बिजली कट जाती है, उसके बाद जनरेटर का इस्तेमाल होता है, लेकिन जनरेटर है लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाला डीजल नहीं है कि उसको कैसे चालू किया जाए। तो इस तरह की समस्या इस सरकारी अस्पताल में, गुड़गांव के सेक्टर 10 का ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ फैली हुई है। कैंपस बहुत ही बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने में बहुत भारी भरकम है, लेकिन अंदर पूरी तरह से नजारा खोखला साबित होता है, खोखला दिखाई देता है। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसी बदहाल तस्वीर आपने पहले शायद कभी नहीं देखी होगी जब हम आपको दिखा रहे हैं। कहने के लिए साइबर सिटी में यह अस्पताल है, लेकिन हालात बिल्कुल खराब, बिल्कुल जर्जर। नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता गुड़गांव से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, गुड़गांव के सेक्टर 10 का ये सरकारी अस्पताल है, हम कह सकते हैं जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए एक सरकारी अस्पताल में, उन्हीं बुनियादी सुविधाओं का यहाँ अभाव है। आप जब यहाँ पहुंचे तो आपने क्या कुछ देखा? जी देखिए, रियलिटी चेक में आपको पहले बताना चाहूंगा कि तमाम तरह की जो सुविधाएं साइबर सिटी को मिलनी चाहिए थी, बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, सर्वाधिक राजस्व देने के बाद प्रदेश सरकार को, वो उनके लिए जो है तरस रहा है। कहीं ना कहीं इस सरकारी हॉस्पिटल के अंदर दो सुविधाएं, इतनी बढ़िया इमारत जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की हकीकत, जो अंदर की हकीकत है, उससे आप तस्वीरों के माध्यम से जो है रूबरू हो सकते हैं। ठीक है नीरज, मैं आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ सीएमओ रमेश जी इस वक्त फोन लाइन पे है। रमेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी। रमेश जी, एक सरकारी अस्पताल में, वो भी जो कि गुड़गांव के सेक्टर 10 में है, वहां पर 12-13 घंटे से ऊपर बिजली ना आना और पानी का हमने वहां पर रियलिटी चेक किया, दरअसल दर्जन भर टंकियां लेकिन ज्यादातर में पानी नहीं है, जनरेटर है लेकिन उसमें डीजल नहीं है, कि वो जनरेटर चले कैसे? क्या एक ऐसे जगह पर, ऐसे क्षेत्र पर, ऐसे शहर में जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्जित करता है, हरियाणा को सबसे ज्यादा पैसा देता है, वहां पर इस तरह से सरकारी अस्पताल का हाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कल रात को पीछे से लाइट पूरा फॉग उस एरिया में था, सेक्टर 10 एरिया में। हाँ। और उसमें हमारे डीजल की समस्या नहीं थी, जनरेटर हमारे पास है, डीजल चला है और जनरेटर चला है। जनरेटर का सिर्फ एक कैजुअलिटी, उसका कनेक्टिविटी किसी कारणवश नहीं हो पाई उसकी, वो कनेक्ट करा दिया है, अब कोई समस्या आगे नहीं रहेगी। पानी की समस्या लिए मोटर जली हुई थी, एक दिन समस्या पानी के लिए, पानी की समस्या भी अब ठीक होगी, फ्यूचर में दिक्कत ये नहीं आएगी। मेरी मेडिकल स्टूडेंट से बात होगी थी और मैं कल विजिट भी करूँगा। ये पावर कट का कारण क्या बताया गया रमेश जी? पावर कट का एरिया में लाइट नहीं थी, और जिसमें हमारा जनरेटर भी है, इन्वर्टर भी काम करता है, पर दिक्कत ये रही है जनरेटर का, कुछ हॉस्पिटल कुछ पोर्शन में जनरेटर कनेक्शन नहीं था, वो भी करा दिया है, अब वो समस्या वो भी नहीं रहेगी फ्यूचर में। सुबह लाइट आ गई थी। नीरज, हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सीएमओ साहब, मैं चाहूंगा आप थोड़ी देर हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहें। नीरज, आप जरा बताएं सूरत हाल वहां का, क्या कुछ देखा आपने? हमारे साथ सीएमओ रमेश जी भी फोन लाइन पे हैं।
बिल्कुल देखिए, जो कर्मचारी हैं उन्होंने नाम तो नहीं बताया, हालांकि कैमरे पे कोई भी बयान नहीं दिया। हाँ। डर रहे थे कि सरकारी जो अधिकारी हैं, सरकारी बाबू, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन डीजल जो है उस जनरेटर में मौजूद नहीं था, पानी की तकरीबन सभी टंकियां जो है वो खाली थी, जिसके कारण जो है बूंद बूंद पानी को तरस रहा था सरकारी हॉस्पिटल। कहीं ना कहीं जिस तरह की व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल में होनी जो है मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बाद भी नहीं सूरत हाल बदली है, तो ऐसे में जो है जिला प्रशासन के तमाम जो बड़े अधिकारी जो हैं, और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, 17 तकरीबन पेशेंट जो है गायनी वार्ड में मौजूद थे रात को तक। लेकिन समस्या इतनी गहरी हो गई, डीजल से जनरेटर नहीं चल रहा था, इसके बाद जो इन्वर्टर लगा था उसके तो वो इन्वर्टर जो है वो कहीं ना कहीं उससे भी लाइट जो चल रही थी वो चली गई, और सूत्रों की माने तो एक मोमबत्ती से जो है वो डिलीवरी कराई गई हॉस्पिटल के अंदर। शर्मनाक है, साइबर सिटी जैसे इलाकों के अंदर अगर इस तरह की वारदात है, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, हाँ। तो बाकी दूर दराज के गाँव में आखिर किस तरह का सूरत हाल होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। रमेश धनखड़ जी आप फोन पे हैं हमारे साथ। हाँ जी, क्या कहेंगे सर आप, एक ऐसा अस्पताल जहां और जहां पहले विजिट भी हो चुके हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री साहब आ चुके हैं, एकाएक टंकी कैसे खाली हो सकती है? चलिए बिजली पावर कट की बात मैं मान लेता हूं, आप कहते हैं कि इलाके में ही बिजली नहीं थी, लेकिन जो टंकियां खाली हैं, जो दर्जन भर टंकियां छत पर लगी हुई हैं, उनकी तस्वीरें, उनके विजुअल्स हम लगातार टीवी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, उससे कैसे इनकार किया जा सकता है? हमारे संवाददाता वहां होकर आए हैं, उन तस्वीरों को लेकर आए। इसमें प्रॉब्लम जो रही है ना जी, वो ये रही कि लंबी लाइट जाने की वजह से पानी ऊपर टंकी नहीं जा पाया, हाँ, और मोटर नहीं चल पाई, और ये प्रॉब्लम अब है। अब हमने कहा है कि इसको जनरेटर से हम जोड़ेंगे तो ताकि पानी की समस्या लाइट की फ्यूचर में नहीं रहेगी। रमेश जी चलिए, पावर कट होता है, बिजली एक लंबे समय तक चली गई 12-13 घंटे तक के लिए, लेकिन उस दौरान क्या बंदोबस्त थे, क्या बिजली वहां पर रही? बिजली नहीं रही, जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, जनरेटर नहीं चला, तो फिर किस बात का जनरेटर वहां रखा गया है, किस बात की व्यवस्था वहां पर की गई? एक सरकारी अस्पताल में अगर लाइट जाने के बाद भी बिजली का बंदोबस्त ना हो पाए तो फिर क्या उसको सरकारी अस्पताल कहा जाए? था, डीजल की प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ ये था कि कनेक्टिविटी जनरेटर से, एक तो उसकी जो इसकी मोटर होती है उससे कनेक्टिविटी, दूसरे कनेक्टिविटी कैजुअलिटी से, दो जगह थोड़ी प्रॉब्लम आई है, वो जोड़ दिया गया, फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी, मेरी बात होगी, दिक्कत नहीं आएगी, मैं भी विजिट कराऊंगा। चलिए बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आपकी बातों में फिर भी मुझे वजह नजर नहीं आया। हमारे दर्शक सब देख रहे हैं, और सरकारी अस्पतालों से हर कोई दो चार होता है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को बनाया इसलिए गया जो समाज में गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट अस्पतालों का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, वो सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वहां पर भी उनको बेहतर इलाज मिलेगा। वहां पर जो सरकार बातें करती है, दावे करती है, उन दावों से उनको फायदा होगा, वहां पर वो दावे नजर आएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात क्या होते हैं, जमीनी हालात क्या होते हैं, वो हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ जो विजुअल देख रहे हैं उस पर हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ बीएस दहिया साहब फोन लाइन पे हैं। दहिया साहब स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। दहिया साहब, गुड़गांव का सेक्टर 10 का एक सरकारी अस्पताल है, पिछले 12-13 घंटे से यहाँ पर बिजली नहीं आई, आप क्या कहेंगे? शनिवार देर रात से यहाँ पर बिजली नहीं है, सुबह के 11 बजे तक, आज सुबह के 11-12 बजे तक बिजली यहाँ पर नहीं थी, पानी की दर्जन भर टंकियां आए लेकिन ज्यादातर टंकियां खाली पड़ी हुई, जनरेटर रखा गया है लेकिन उसमें डीजल नहीं है या वो चल नहीं सकता है, क्या कहेंगे आप ऐसी अव्यवस्था को लेकर, वो भी गुड़गांव जैसे शहर में एक सरकारी अस्पताल के अंदर? ये कहूंगा कि आजकल मॉडर्न साइबर आपको कहते हैं मिलेनियम सिटी है, और अस्पताल का ये बड़े अस्पताल पुराने अस्पताल की सर्विसेज भी, ये भी कहना पड़ेगा 10 सेक्टर में शिफ्ट कर दी गई है, वो भी अक्षमात जो कि नहीं की जानी चाहिए थी। अब नया अस्पताल शहर बढ़ गया, आबादी बढ़ गई, तो एक से दो अस्पताल, ये मेरे को ध्यान में आया कि कहते हैं दो अस्पताल एक जगह नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, आबादी दिल्ली में कितने अस्पताल बन गए हैं, तो इसमें डेफिनेटली बात होगी अस्पताल बगैर तैयारी के वहां पर सर्विसेज कर दी, 2 साल से वो एक 1.5 साल से अस्पताल चला रखा है, परंतु उसकी सर्विसेज का भी लोड सारा वहां डाल दिया गया बगैर किसी तैयारी के, बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में किए हुए, और बिजली का नहीं होना तो क्यों नहीं संपर्क बिजली विभाग से किया गया 10-11 घंटे या 12 घंटे को बेस्ट हुई गुड़गांव इंटॉलरेबल अदर
ये बहुत ही एक किस्म का घातक सिद्ध हो सकता है मरीजों को, और सर्विसेज पैरालाइज समझ ली हो जाएंगे। पानी का व्यवस्था न होना, टॉयलेट का काम ना करना, टंकियों खाली होना, इसमें तो विभाग जिम्मेवार है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि अकेला वहां का SMO है, मैं कहता यहाँ पिछले सप्ताह मंत्री भी आए हैं, हेल्थ सेक्रेटरी भी आया है, डायरेक्टर भी आए हैं, तो व्हाट फॉर दे इन लोगों पर बोझ डालकर वो यहाँ गए थे, उन्होंने क्या देखा क्या किया? तो इसमें डेफिनेटली स्वास्थ्य विभाग इसमें जिम्मेवार है, अधिकारी तो है ही हैं, उसके अतिरिक्त सरकार और स्वास्थ्य विभाग राइट डायरेक्टरेट एज वेल एज द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिसाइड द सिविल सर्जन एंड द अदर एम्प्लॉइज। लेकिन दहिया साहब आपको क्या लगता है, चूंकि आप खुद हेल्थ जैसे सेक्टर को बारीकी से देख रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले रमेश धनखड़ जो कि CMO है हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये एकाएक ये सब चीजें हुई हैं, बिजली कट गई थी तो पानी नहीं आ पाया, और जनरेटर का वो कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बता रहे थे। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि 12-13 घंटे अगर बत्ती गुल रहेगी, अगर बिजली नहीं आएगी, तो क्या एक सरकारी अस्पताल अंधेरे में डूब जाएगा? क्या वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या इस बात को कहकर कि कुछ कनेक्टिविटी की दिक्कत हो रही थी, जनरेटर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, क्या बचा जा सकता है? क्योंकि इमरजेंसी वार्ड्स भी होते हैं, कई सारे मरीज ऐसे होंगे जिन्हें जल्द से जल्द इलाज की जरूरत होगी, ऑपरेशन थिएटर में लोग होंगे, लेकिन अगर बिजली नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा? आप बिजली से भी, बिजली विभाग से भी आपका संपर्क टूट गया, आप ऐसे आइलैंड में तो नहीं रह रहे हो, आप गुड़गांव में रह रहे हो, दिल्ली के पास है, तो आप आइलैंड में तो नहीं रह रहे हैं, तो आप पहली बात तो राइट फ्रॉम बिजली महकमे को सतर्क करके एकदम से एवरीबॉडी शुड हैव बीन ऑन दी, सबको वहां पर हाजिर होना था, सबने रात दिन एक करके उसको करना था। सेकंडली आपका जनरेटर में डीजल नहीं है, डीजल भी के लिए भी बाहर से आदमी आएंगे प्राप्त करने के लिए, और यदि उसमें भी जनरेटर में भी खराबी आ गई है तो क्या सभी चीज एक बार होनी थी? फिर मार्केट से भी 5-4 जनरेटर बड़ी अक्षमता के किराए पर लिए जा सकते थे, और इमीडिएटली दी थिंग्स कुड हैव बीन पुट टू यूज। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका बेस दहिया साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व डीजी हेल्थ हमारे साथ फोन लाइन पे थे, जो बता रहे थे कि तमाम छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो कि सीधा प्रशासन से जुड़ी हुई है, अस्पताल प्रशासन से जुड़ी हुई हैं, और उन्हें इस मामले को अनदेखा करने के बजाय गंभीरता से लेना चाहिए था। अगर वो गंभीरता से नहीं लेते तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मरीजों की जान से जुड़ा हुआ मसला है। अगर एक अस्पताल जो 12-13 घंटे से ज्यादा जो है वो अंधेरे में डूबा रहे, यानी कि वहां पर बिजली ना रहे, तो फिर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी मरीजों को पेश आ रही थी यहाँ पर। चूंकि ये मामला इसलिए भी अहम है, ये सरकारी अस्पताल गुड़गांव में मौजूद है, जिसे हम मिलेनियम सिटी या साइबर सिटी भी कहते हैं, लेकिन उसकी एक हकीकत, एक नजरिया, एक पहलू ये भी है। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं इसी मुद्दे के साथ, विशेष पे जल्द होंगे आज। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है, और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 999-0599-0599 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। क्या हुआ है तुम्हें? जड़ों पर जमी फफूंदी की वजह से हमारी पोषण सोखने की क्षमता कम हो रही है। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है साफिलाइजर। इसे फसल में डालने से जड़ों पर जमी फफूंदी की परत हट जाती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। साफिलाइजर। गुलमोहर सिटी NH-65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं
फ्रीहोल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, गुलमोहर सिटी, बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते और कुछ चेहरे इतिहास बनाते। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके बिना थके। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। और ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर स्वागत है। विशेष में आज हम बात गुड़गांव के सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल की रियलिटी चेक की कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ रियलिटी चेक किया हरियाणा न्यूज ने, जहां अंधेर गर्दी फैली हुई नजर आई। ये तस्वीरें आप गुड़गांव के सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल की देख रहे हैं। ये अस्पताल काफी पुराना अस्पताल है और कहने के लिए एक सरकारी अस्पताल, लेकिन सुविधाओं का पूरे तौर पर अभाव। शनिवार 8:10 बजे से रविवार 11:00 बजे तक, यानी आज 11:00 बजे तक यहाँ पर बिजली गुल थी, यहाँ बिजली नहीं आई। और बिजली न होने के चलते कई सारे मरीजों को यहाँ से रेफर किया गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर पानी का भी खासा अभाव है। छत पर दर्जन भर से ज़्यादा टंकियाँ हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा टंकियाँ जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। तस्वीरें आप टंकियों की देख रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पर जनरेटर है, लेकिन जनरेटर में डीजल नहीं है। हालांकि सीएमओ साहब हमारे साथ ब्रेक पर जाने से पहले जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि कुछ तकनीकी दिक्कत उसमें थी, इसलिए वो नहीं चल सका। तो ऐसे में अगर इतनी अव्यवस्थाएं रहेंगी, इतनी खामियां रहेंगी, तो कैसे ये सरकारी अस्पताल मरीजों को बेहतर सुविधा, बेहतर इलाज दे पाएगा? ये सवाल आज हम उठा रहे हैं। विशेष में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड्स और लैब वगैरह सब ठप रहे। हमारे साथ बीजेपी सचिव, प्रदेश सचिव राजपाल इस वक्त फोन लाइन पर। राजपाल जी स्वागत है आपका, माफ कीजिए, राजबाला जी हमारे साथ है। राजबाला जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। राजबाला जी, एक तरफ हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब हैं और आपका जो प्रशासनिक अमला है, वो दोनों लगातार सक्रिय है कि सरकारी अस्पतालों के हालात को कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर सरकार कंसर्न तो लगती है। लेकिन जब हम गुड़गांव के सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल में जाते हैं या वहां का हाल देखते हैं, तो ये ऐसा क्यों लगता है कि सरकार सक्रिय है लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है, या उसके नतीजे नहीं देखने को मिल रहे हैं? 12-13 घंटे से ज्यादा एक अस्पताल में अगर बिजली ना आए, तो फिर बिजली का प्रबंध भी नहीं हो रहा है, वहां पर जनरेटर भी खराब पड़े हुए हैं, आधे से ज्यादा टंकियां छत पर जो है उसमें पानी नहीं है।
आप क्या कहेंगी सरकारी अस्पताल के बारे में? देखिए, आप खुद भी कह रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री बड़े सक्रिय हैं, सरकार बड़ी सक्रिय है, लेकिन 7 साल में जिन्होंने इस हरियाणा को पूरी तरीके से खराब कर दिया है, तो निचले स्तर पर सभी जगह एक्टिव होने में ग्रामीण क्षेत्र के या कहीं का इस तरह के, जिस तरह का हॉस्पिटल का आप मुझे जिक्र कर रहे हैं, इस तरह के हॉस्पिटलों में हो सकता है जो आप कह रहे हो वो नहीं, राजबाला जी, मेरा सवाल ये था कि सक्रिय इसलिए मैंने कहा कि इसी अस्पताल में खुद स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव जो हैं वो खुद इस अस्पताल का विजिट करके, इसका निरीक्षण करके जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी, उनके जाने के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं, ये सवाल मेरा है। और ऐसी जगह पर ये अस्पताल है जिसको कि आप साइबर सिटी कहते हैं, जिसको कि मिलेनियम सिटी कहा जाता है, जो हरियाणा की जिसको विंडो हम कहते हैं, अगर वहां ऐसे हाल होंगे, वहां ऐसे हालात होंगे, तो फिर और जगहों से क्या उम्मीद रखी जा सकती? देखिए, उम्मीद तो आपको हमेशा अच्छी रखनी चाहिए और हमारी सरकार निश्चित रूप से अच्छा प्रशासन देने का प्रयास लगातार है, लेकिन क्योंकि जिस तरह का आपने कहा कि वहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी आकर के गए हैं, वहां पर काफी सक्रियता दिखाई है और गुड़गांव में ये हालात है, इसका मतलब निश्चित रूप से वहां कोई ना कोई अधिकारी जो है वो प्रशासन को मिसगाइड कर रहा है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, आपने हमें उजागर में लेकर के आए, तो हम ये सरकार तक भी ये बात पहुंच रही है और ज्यादा सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन कुछ क्योंकि अभी तक इतने वर्षों में कुछ नहीं हो पाया था, इस वर्षों में अधिकारियों को भी मनमानी करने की जो आदत पड़ी हुई है, फिर अभी उस आदत को थोड़ा सुधार में आने में आप अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाल रही है। ठीक है, हम कुलदीप सोनी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फोनलाइन पे है। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। कुलदीप जी, सेक्टर 10 का एक सरकारी अस्पताल है जहां पर 12-13 घंटे से ज्यादा बिजली यहां पर नहीं रही, यानी पावर कट रहा, इस बीच कोई इंतजाम भी नहीं थे वहां पर व्यवस्था को कायम रखने के, यानी कि कोई जनरेटर की सुविधा या उसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। पानी की अगर हम बात करें, ये रियलिटी चेक हरियाणा न्यूज ने किया है मौका वारदात पर जाकर, आपको क्या लगता है ऐसी चीजें अगर ऐसे हालात सामने आएंगे सरकारी अस्पतालों के, तो फिर क्या कहा जा सकता है? हमारे साथ राजबाला जी हैं, वो ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार सक्रिय है, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है, जो अधिकारी तबका है, वो दरअसल पिछले सरकारों के शासन के दौरान कमजोर पड़ गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी सरकार को विश्वास ही नहीं हो रहा कि 1 साल से हरियाणा में सरकार आ चुकी है। देखो, आज यहाँ व्यापारी तंग है, कर्मचारी तंग है, किसान तंग है, रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य, ये 4 चीजें तो प्रमुख होती है और ये देने में भी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आपके रियलिटी चेक को मैंने भी देखा कि 13-14 घंटे वहाँ लाइट नहीं आ रही, और इनका ये निजी हॉस्पिटलों में जाकर गरीब आदमी कहाँ इलाज कराएगा देश के अंदर? गरीब आज का हरियाणा का गरीब त्राही त्राही कर रहा है। जिस तरीके से 1000 के आसपास डेंगू के केस आए, इनकी स्वास्थ्य सेवाएं कहीं से भी है उस पर डेंगू पे कवर नहीं कर पाए, डेंगू के जो अपना उपचार के लिए जो टेस्ट है वो भी हॉस्पिटलों से कराए गए, ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों से। इनके स्वास्थ्य मंत्री तो बिजी रहते हैं, कभी पानी की टंकी चेक करने में, कभी कुछ चेक करने में। उनको स्वास्थ्य सेवाओं पे ध्यान देना चाहिए, अफसरों पे ध्यान देना चाहिए। तकार इनकी है, अगर अफसर नहीं मान रहे, हमारे टाइम पे अच्छे तरीके से हमने 10 साल अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पूरे प्रदेश के अंदर दी है और पूरा अच्छा रिकॉर्ड रहा है हमारा। अगर इनके नहीं अधिकारी नहीं मान रहे तो इनको चेंज करने चाहिए अधिकारी। ठीक है, राजबाला जी, क्या कहेंगे आप? ये जो सवाल कुलदीप सोनी उठा रहे हैं, यही सवाल मेरा भी आपसे था कि ये तो सरकार की सीधी सीधी जिम्मेदारी है। अब सरकार कई सारे एक्सक्यूज देकर इससे बच नहीं सकती है, क्योंकि आप ही से जनता ने उम्मीद लगाई, आप ही को मैंडेट दिया है। सुन पा रहे हैं राजबाला जी आप? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन बहुत शुक्रिया कुलदीप सोनी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी सरकार जिसको जनता ने मैंडेट देकर सत्ता की कुर्सी सौंपी, उस सरकार अगर ये कहे कि अधिकारी पिछली सरकार के शासन के से ही चल रहे हैं, या फिर पिछली सरकार के शासन के दौरान अधिकारियों का, कर्मचारियों का, प्रशासन का जो रवैया है वो इस तरह का ढीला हो चला है, तो फिर ये एक्सक्यूज शायद जनता कबूल नहीं करेगी। जनता को पॉलिसी डिलीवर चाहिए, जनता को परफॉर्मेंस चाहिए। यह सरकार को ध्यान में रखना होगा, अगर गुड़गांव जैसे इलाके में, गुड़गांव जैसे विकसित शहर में सरकारी अस्पतालों का यह हाल होगा, तो दूर दराज के गांव के अस्पतालों से आप बेहतर होने की उम्मीद छोड़ ही दीजिए। विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।